तो दोस्तों ये है नाश्ता, सब्जी जो है पनीर की सब्जी है, ऑर्गेनिक घर का पनीर ये है। हाँ क्या मेरे लिए पानी लेके आ, जा मारने के लिए रेडी है, पानी लेके आ मेरे लिए, पानी लेके आ मेरे लिए, मेरे लिए पानी लेके आ, जा। सुप्रभात दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन फ्रॉम उत्तराखंड में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 10, तो हम लोग फ्रेश होके नाश्ता करके अभी जा रहे हैं खेत की ओर। खेत में जो काम है वो काम है, आज हमें नयो काटना है पहला काम, और जो दूसरा काम है वो है कि पहाड़ी केले, कच्चे केले जो है उन्हें हम काट के लाने वाले हैं घर में। फिर उन केलों को हम पकाएंगे घर में, और जो नयो है गाय का भोजन उसे भी हम लोग काट के लाएंगे घर में। बहुत इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने वाला है, और मौसम तो देख सकते हैं बढ़िया मौसम है, लेकिन गर्मी स्टार्ट हो चुकी है ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा। तो चलते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। हम काटे हैं घा है ज्यादा गली तेगा खींचड़ में ही यह नाश्ता पड़ गया है। अब रत्ती बण जाब गामला की बैठे घर है काम में, तो नयो काटन तो लू है गोर बगार थना है ने? कहते को पता ना, अरे गोर बगार खाना है ना, तो नयो गा मस्त बड़ा है चलो। ओ मस्त है, ये गा का नजर लगड़ी जाएगी वो है। अल्टीमेटली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने खेत में, जिस खेत में हमने परसों को गेहूं की बालियां तोड़ी थी, तो उसी खेत से आज जो है नयो भी काट के ले जाना है गाय के भोजन के रूप में। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे खेत में, वहां से हमने केले भी लेके आने हैं, कच्चे केले लेके आने हैं। तो काम करते हैं स्टार्ट, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि इसके बाद जो है ना धूप हो जाती है तेज। नयो जो है पूरा खेत हमने काटना नहीं है अभी, अभी सिर्फ हम दो या तीन पुले काटेंगे, इतना ही काफी अभी। अब पुले कितना बड़ा होता है, ये पुला एक पुला कितना बड़ा होता है, ये जब हम लोग काटेंगे तब हम दिखाएंगे। वैसे पिछले ब्लॉग में मैं आपको दिखा चुका हूँ, क्योंकि एक पुला नयो में लेके गया था घर। एक पुला नयो तो हम काट चुके हैं, अब दूसरा जो है कंप्लीट होने वाला है, शायद हम तीन बनाएंगे, तीन से चार बनाएंगे, उसके बाद काम हो जाता है, चलेंगे फिर दूसरे खेत में। तो एक तो ये हो चुका है, तो यहीं पर रख देते हैं ये। जूली ले ले, यहाँ पे जूली आया है, मैं दिखाता हूँ आपको कितना दूर है, अभी यहीं को आ रहा हो, जूम करके दिखाता हूँ, कहीं दिख रहा होगा आपको, अभी आ जाएगा देखना। जूली ले ले, ये आ चुका है, ये आ गया जूली। अरे 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 अरे, गुड मॉर्निंग। पानी प्यास लगी सोसाइट पी, शाबाश। अब जूली जो है हमसे भेंट करके जा चुका है, ये देखिए इसके जो मालिक है वो भी खेत में आए हुए हैं, तो उन्हीं के पास ही जा रहा है अभी है। माँ फोटो वीडियो आयल कौन नहीं तो क्यों आटर और जून को दूध दिन नहीं देखा मुखले मिल गो फोटो देखा लेना आयल कौन क्यों आटर। अच्छा देखा देखा होना देखो हमें। अरे भूप जी हो गया नाश्ता पानी? अच्छा वाह वाह बढ़िया। अल्टीमेटली हमारे नयो के जो पुले हैं वो रेडी हो चुके हैं, अब है जाने की तैयारी। तो इन सब पुलों को एक साथ हम लोग जो है बांध देते हैं, अब तैयार क्या ना सब। ओना ओना पानी कदर पानी कम ही में थप्पड़ भी लियो मैं गरम रहो कोई बात नहीं क्या नो चुनो पर पहली दली नहीं ना। हाँ वो मुझे काट दे को
और घर वाल ही बेकाशक की बेकाशक अच्छा अच्छा नयो काटो नयो कौन सो मैं गर्म पानी हूँ छू गर्म हो बोलो पकड़ो बोजी अच्छा तीन पकड़ रहा था बाघर तीन है ना अच्छा एक है अच्छा अच्छा अरे अच्छा अच्छा चार पांच पत आ रहा क्या तब ना मस्त है खैर सुमर भंडारो ठुला अब जो है हम लोग आ रहे हैं केले के बगीचे में केले का बगीचा बोलिए या केले का खेत तो यहाँ से काटते हैं हम पहाड़ी केले ये दुए गुच्छा में रहना है अड़ो हाँ अरे हाँ ये तो अरे आराम ला अरे 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 खबर मार बागर को ना उठेगा अब तो इसको तो हम लेके जाएंगे अभी अम्मा जी जो है ना ये हमारी वीडियोस देखती है रोज तो हमने केले का पेड़ जो है गिफ्ट कर दिया इनको ये अपने भैंस को देंगे इसको अब भैंस खाती है ठीक लेकिन चोप लाऊ ऊंचा दे हाँ बाय बाय अरे पढ़ छू आ चुके हैं हम रेस्ट करते हैं यहाँ पे पहाड़ी केले तो रेस्ट करना तो बनता है बहुत थकान हो गई है पानी पिया नहीं जो हम लेके आए थे गर्म पानी था हमने यहाँ से देखा कि एक पाइप में पानी आ रहा है और वो पानी जो है वो आ रहा है यहाँ पे स्रोत है ना पानी का इस साइड को यहाँ पार तो इस पानी को जो है पाइप के द्वारा यहाँ पहुँचाया है यहीं आसपास वालों ने तो मैं लेके आता हूँ पानी ये जो है धारे का नाम है पारा धारा कम से कम 7 से 8 महीने हो चुके हैं यहाँ का पानी मैंने अभी तक पिया नहीं है 7-8 महीने हो चुके हैं तो आज जो है पानी पी लेता हूँ मतलब एक लंबे टाइम गैप के बाद अगर हम ये पानी पीते हैं ना तो सर्दी जुकाम लगता है बोलते हैं तो देखते हैं क्या होता है ला दे दो बोतल दे ये आ रहा पानी तो जाता हूँ रास्ता जो है यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से तिरछा यहाँ पे आना पड़ेगा एक इसने गागर भी यहाँ पे लगाया हुआ है तो यहीं से देखता हूँ बाहर से पकड़ने पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि अभी अभी ये बोतल फ्रिज से हमने निकाला हो तो न पियोगे ठंडे पानी क्या है ये ना आपको हल्का लग रहा होगा लेकिन इतना भारी है ना जो इसने सर पे रखा हुआ ना नयो उससे मैं भारी होगा दिन का खाना हमने बनाया नहीं है तो दिन में भूख काफी लग चुकी है तो खाने की व्यवस्था करते हैं कुछ ये चलेगा नमक प्याज इतना बारीक होना जरूरी है तब जाके जो मजा आएगा इसमें ये डाल दिया प्याज ऊपर से ठीक है काफी है अब इसको करना है रैप घुमाना है ऐसे ठीक है
ये हमने घुमा दिया इसको। अब क्या करना है, अब जो है पहले तो एक बेड लेता हूँ उसका मैं, साथ ले लिया। अब ये है दही, और साथ में एक घूंट जो है दही का मैं ले लेता हूँ। मैं चाहता हूं कि एक बार, सिर्फ एक बार आप लोग भी इसको ट्राई करना। काला नमक, काला नमक के साथ एक लाल मिर्च, उसमें हरा धनिया और एक लहसुन, दो तीन पीस लहसुन के डाल देना आप। पीस के पहले तो रोटी के अंदर डालना उसको, नमक को, तो उसके ऊपर से बारीक प्याज डालना, उसको रैप करके अच्छे से फोल्ड करके दही के साथ आप खाना। ये जो टेस्ट आएगा ना, इस टेस्ट को आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। ये पिज्जा बर्गर जो है ना, ये कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, आप पक्का ट्राई करना। अभी दिन के बजने वाले हैं 2, हमारा लंच रेडी हो चुका है। लंच में है आज भी जो है मलक की दाल है। हालांकि मैं थोड़ी लेट में खा रहा हूँ आज, इतानसी लोग सब लोग खा चुके हैं, क्योंकि मैंने जैसे ही खेत से मैं आया था ना, तो एक दो रोटियां मैंने खा ली थी, उसके बाद मुझे भूख लगी नहीं। मैं मतलब 1 घंटा लेट हुआ हूँगा, 1 घंटे के बाद खा रहा हूँ। उन्होंने जब से खाया ना, तब से 1 घंटा हो चुका है मतलब।